नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में अब जांच का दायरा और अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि संस्कारधानी जबलपुर में गुजरात पुलिस पहुंच चुकी है। अल सुबह पहुंची गुजरात पुलिस की टीम में 8 से 10 सदस्य बताए जा रहे हैं, जो आरोपी सपन जैन को भी साथ लेकर जबलपुर पहुंची है। आपको बता दी कि कंट्रोल रूम में आरोपी सपन जैन के साथ जबलपुर पुलिस और गुजरात पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आरोपी सपन जैन के माध्यम से कई खुलासे भी हो सकते हैं। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर दबिश भी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि गुजरात पुलिस द्वारा बीते 7 मई को भगवती फार्मा के मालिक सपन जैन को गिरफ्तार किया गया था और उसे गुजरात लेकर गई थी, जहां सपन जैन द्वारा सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा और अस्पताल के मैनेजर देवेश चोरेशिया के नाम बताए गए थे, जिसके बाद जबलपुर पुलिस द्वारा जांच के बाद दोनों आरोपियों के साथ सपन जैन के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। ऐसे में जबलपुर पुलिस, गुजरात पुलिस, स्थानीय पुलिस के माध्यम से इस रैकेट को पूरी तरह से बेनकाब करने में जांच पड़ताल कर रही है। मामले में जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के अनुसार गुजरात पुलिस को हर तरह का सहयोग दिया जा रहा है, ताकि इस रैकेट से जुड़े हुए लोगों को बेनकाब किया जा सके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सके। पुलिस अधीक्षक के अनुसार जबलपुर पुलिस भी गुजरात जाएगी और जो जानकारी साझा करेगी। गौरतलब है कि मामले में सरबजीत सिंह मोखा और देवेश चोरेशिया के खिलाफ NSA की कार्रवाई की गई है और उन्हें जेल भेजा गया है। वहीं सपन जैन के माध्यम से गुजरात से जबलपुर यह नकली इंजेक्शन मंगवाए गए थे। ऐसे में कितने इंजेक्शन अस्पतालों में खपाए गए हैं और कितने अस्पताल इस रैकेट में शामिल है? क्या मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी इन जहरीले इंजेक्शनों को पहुंचाया गया है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज सामने आ सकते हैं। फिलहाल दोनों ही राज्यों की पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये टीम कब तक आ जाएगी और सर आज आप लोगों ने रिमांड मांगी थी, क्या हुआ? सिटी हॉस्पिटल के संचालक मुखा, तो उनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की गई है और NSA में वो अभी जेल निरुद्ध हो गए हैं। जहाँ तक गुजरात की पुलिस टीम की बात है, तो जैसा वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जैसे पहले भी शेयर करते आए हैं, और जो उनको सहयोग यहाँ लगेगा वो हमारी पुलिस टीम उनको देगी और आगे विधिवत कार्रवाई करेंगे। सर अभी पूछताछ में पता चलेगी लगभग कितने इंजेक्शन इन्होंने खपाए हैं? अभी जो अभी नई पूछताछ में तो अभी तक ऐसा कुछ खुलासा अभी नहीं हो पाया, लेकिन अभी सारी चीज़ें इसमें हम बारीकी से देख रहे हैं, सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो खंगालेंगे और जितना अभी तक कल तक की पूछताछ थी उतना ही अभी तक आया। आगे और हमारी, मैं बताना चाहूँगा, एक SIT हमने जरूर बनाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूरे इस मामले के तहत। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।